स्वामी, नहीं, उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी, उसे क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी। पिताजी आपसे विनती करते हैं पिताजी, ऐसा मत करिए पिताजी। सती को एक अंतिम अवसर देने के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ, स्वयं उसे समझाऊंगी, हम सब उसे समझाएंगे पिताजी, हम सब उसे समझाएंगे। अमात्य, मैं अविलंब प्रवास क्षेत्र के लिए प्रस्थान करूंगा। जो आज्ञा प्रजापति। किंतु पिताजी, आप स्वयं कहते थे कि सती को भ्रमित किया गया है, तो क्या आप अपनी सारी शक्तियों से सती का भ्रम नहीं मिटा सकते? स्वामी, सती को मृत्यु दंड देकर आप समस्त परिवार को दंडित कर रहे हैं स्वामी, ये कहां का न्याय है, कहां का न्याय है स्वामी? अपने स्वार्थ के लिए पूरे परिवार को लज्जित करने से पहले सती ने सोचा क्यों नहीं? क्यों? स्वामी, स्वामी, वो आपकी संतान है स्वामी, यदि अपनी भूल के लिए उसने आपसे क्षमा मांगी तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा स्वामी, स्वामी उसे क्षमा कर दीजिएगा, स्वामी उसे क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिएगा माँ, अंतिम बार क्षमा कर दीजिएगा स्वामी, अंतिम बार क्षमा। प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सती की व्यथा भी आपसे छुपी नहीं होगी, वो बहुत प्रेम करती है आपसे, आपसे प्रेम करने के लिए उसने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, हर परीक्षा में सफल हुई है वो, किंतु अब उसे और प्रतीक्षा मत करवाइए, वो अपने धैर्य की चरम सीमा पार कर चुकी है, अब वो टूट जाएगी प्रभु। यदि आप उससे बात ना करें तो वो टूट जाएगी। मैं बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटी हूं, आपसे कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है मुझे, किंतु सती, वो तो मेरी पुत्री समान है प्रभु, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, एक बार, बस एक बार अपनी अर्धांगिनी से बात कर लीजिए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है, उसने अपने पिता द्वारा दी हुई हर यातना स्वीकार की है, इतने कष्ट उठाए हैं, को अपने पर इतना सा अधिकार तो दे दीजिए महादेव। आज शिवरात्रि है मति के लिए, आज हर वक्त की प्रार्थना मुझे स्वीकार है, मैं सती के पास जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा।
मुझे पूरा विश्वास है आप सती की मनोकामना भी अवश्य पूरी करेंगे महादेव। क्या नाता है मेरा, नहीं जानती थी क्यों बार बार आपकी ओर खींची चली जाती, नहीं जानती थी कि हर विपदा में मैं आपको क्यों पुकारती थी, क्यों मेरे स्वप्न आपसे भरने लगे थे, क्यों मेरे विचार आपसे मुक्त नहीं थे, क्यों आपकी उपेक्षा के दुख के आगे संसार का हर दुख कम लगने लगा था, क्योंकि मैं सत्य से अनभिज्ञ थी, किंतु आप तो जानते थे ना कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, ये जानते हुए भी आप मुझसे दूर कैसे रहे, क्या एक बार भी इच्छा नहीं हुई मुझे हृदय से लगाकर ये कह सके ये वियोग आपने कैसे सहा, ये सत्य मुझे बता सके, क्या कभी आपको दुख नहीं होता, कभी इच्छा नहीं होती मुझसे सत्य बताने की, मेरी वास्तविकता से मुझे अवगत कराने की, मुझसे ये कहने की कि मैं आपकी कौन हूं, क्या हूं मैं आपकी,